दोस्तों, आज हम एक लवली शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी को डिस्कस करने वाले हैं। द गिफ्ट ऑफ द मैगी ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी है और इसे फर्स्ट टाइम 1905 में पब्लिश किया गया। स्टोरी यंग हस्बैंड एंड वाइफ की स्टोरी है और वो दोनों किस तरह से सीक्रेट क्रिसमस गिफ्ट को कम पैसों में खरीदने के लिए चैलेंजेस के साथ डील करते हैं। एज ए सेंटिमेंटल स्टोरी विद ए मॉरल लेसन अबाउट ए गिफ्ट गिविंग, ये बहुत ही पॉपुलर रहा और मोस्टली प्रेजेंटेशन एट ए क्रिसमस टाइम। द गिफ्ट ऑफ मैगी लव, जेनरसिटी और वेल्थ की अवधारणाओं पर बेस्ड है और जिम और डेला डेमिंग्स यंग इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है। डेला डेमिंग यंग जिम की लवली वाइफ है और न्यूयॉर्क शहर में गरीबी में रहते हैं। वह जिम के लिए एक अच्छा क्रिसमस गिफ्ट खरीदने के लिए अपने ब्यूटीफुल हेयर्स का सेक्रीफाई करती है। जिम 22 साल का एक पतला आदमी है जो एक मामूली इनकम पर खुद को और अपनी पत्नी को सपोर्ट करने का बर्डन बियर करता है। ही इज़ नॉन फॉर हिज पंचुअलिटी। ये पंचुअलिटी उनकी बेशकीमती घड़ी चमक का एक परिणाम है जिसे वह डेला के लिए कंघे खरीदने के लिए सेल कर देता है। सो लेट्स बिगिन। कल क्रिसमस डे है और डेला टेंशन में है। अपने लवली हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए उसने जो अलग से सेविंग की थी वो बस $1.87 की ही थी और सिंपली ये अमाउंट उसके लिए गिफ्ट परचेज करने के लिए इनफ नहीं है। लविंग कपल के लिए ये ब्राइटर डेज थे और बोल सकते हैं कि ये कपल्स के लिए सबसे अच्छा टाइम है। इससे पहले जिम एक वीक में $30 घर लाया, लेकिन अब उनकी इनकम एक वीक में $20 तक कम हो गई है और बेसिक रहने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं उन्हें खर्च करने के बाद कुछ ही उनके पास पैसा बचता है। जैसा कि हम सब जानते हैं लेडीज़ बार्गेन में परफेक्ट होती है, तो डेला ने घर के रेंट, वेजिटेबल मैन, इन सब से बार्गेन करके 1.87 सेंट सेव करती है। जिम एवरी इवनिंग अपनी जॉब से घर पर टाइम से पहुँचता है ताकि वो डेला को भी लविंग मोमेंट या थोड़ा टाइम दे सके। डेला बस अपने पति को एक शेवी गिफ्ट या कोई गिफ्ट नहीं देने के बारे में नहीं सोचती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है और या होप मिलती है और एक मिरर में खुद को लंबे समय तक देखने के बाद डेला को याद आता है दैट हिज वेल्थ इज़ बियॉन्ड होर्डिंग, इट इज़ होर्डिंग। फिर वो अपने लॉन्ग हेयर को देखती है और जिन पर उसे प्राउड है और रियलाइज़ करती है कि ये एक ही वे है जिसके द्वारा उसका गोल पूरा हो सकता है। डेला शीड्स अ फ्यू टीयर्स फॉर दैट फॉर व्हाट विल बी हर लॉस्ट ग्लोरी और फिर जल्दी से अपनी इमोशंस को दबाती है और अपनी पुरानी जैकेट और टॉपी को स्कूप करती है और फ्लैट छोड़ देती है और फिर एक दुकान पर पहुँचती है। हु सैंग रीड बीम सॉर्फे हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, वहाँ पे हेयर्स के सारे काइंड्स थे जो भी सब कुछ मिलते थे। डेला ने पूछा कि प्रोप्राइटर उसके बालों के लिए उसको क्या पे करेगी। बड़े ठंडे तौर पर आराम से मैडम सॉनफ्री ने डेला के तनावों को एक्सपीरियंस्ड आंखों और हाथ से पहचाना और उसे $20 ऑफर किए। विदाउट हेजिटेशन डेला सबमिट टू द शेयरिंग एंड वॉक आउट विथ मनी इन हैंड। 2 घंटे तक गिफ्ट ढूंढने के बाद जिम के लिए परफेक्ट गिफ्ट मिल जाता है। यदि डेला के पास उसके ब्यूटीफुल हेयर है जिसका अर्थ है उसके लिए पूरी दुनिया, तो जिम के पास भी एक सुंदर सोने की घड़ी है जो उसके पिता और उसके दादा से पहले की है। जिम डज नॉट डिस्प्ले द वॉच विलिंगली, हालांकि इसके लिए एक सबटाइटल सूटेबल सोने की चेन के बजाय एक ओल्ड लेदर स्ट्रैप पर लटका हुआ था, जबकि उस पर सोने की चेन का होना चाहिए था, लेकिन वो एक लेदर स्ट्रैप से लटका हुआ था। जिम को अपनी घड़ी के बारे में किसी भी तरह से अलर्ट नहीं होना पड़ा। डेला फाइंड है प्लेटिनम फॉब चैन, सिंपल इन डिजाइन एंड ऑफ बेटर क्वालिटी विच विल डू जस्टिस टू जिम्स चीज़र। डेला ने अपने हस्बैंड के लिए एक यूजफुल गिफ्ट खरीदा। डेला हरीज होम टू रिपेयर द डैमेज द शेयरिंग डिड। डेला जल्दी से अपने घर पहुँचती है ताकि वो अपने डैमेज जो बाल हैं उनको रिपेयर कर सके एंड अपने छोटे बालों को कर्ल स्टाइल में करने के बाद, जो कि ट्यून स्कूल बॉयज या कॉनी आइलैंड कॉर्स गर्ल से मिलते जुलते हैं। डेला रीड्स अ डिनर थिंग्स एंड सिट डाउन नियर द डोर। हाथ में गिफ्ट लिए अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और प्रे कर रही है
प्रे कर रही है उससे हस्बैंड अभी भी वो प्रिटी ही लगे, उसके हस्बैंड को अभी वो एक प्रिटी ही लगे। ऐसा इसलिए कोच उसने अपने ब्यूटीफुल हेयर्स को कट करा लिया था। हमेशा की तरह जिम टाइम पर घर आता है। जैसे ही दरवाजे के भीतर कदम रखता है ही फ्रीज और उसकी नज़र डेला पर पड़ती है। डेला कैन नॉट रीड हिज रिएक्शन, डेला उसके रिएक्शंस को नहीं पर समझ पाती है। इट डज नॉट सीम्स टू बी एंगर, गुस्सा भी लगता, डिसअप्रूव भी लगता, सरप्राइज और एनीथिंग एल्स ही माइट एक्सपेक्ट। वह बस उसको घूरता रहता है। डेला जिम के पास आती है और बोलती है कि तू अपसेट ना होने के लिए, और उसे अपसेट ना होने के लिए कहती है। उसने अपने हेयर सोल्ड कर दिए ताकि वो क्रिसमस गिफ्ट दे सके। जब जिम अविश्वास के साथ कि अपने मुद्दा से बाहर आता है तो वह डेला को अपनी बाहों में ले लेता है, उसे हग कर लेता है और वह स्वीकार करता है कि उसका प्यार उसके लिए अभी भी सेम ही है, उसका प्यार उसके लिए कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन उसने क्रिसमस गिफ्ट को खरीदने के लिए जो किया जब वो मिरर के सामने होगी तो उसे समझेगी और उसके सॉफ्ट होने का रीज़न भी समझ जाएगी। वह अपनी ओवरकोट जेब से एक पैकेट निकालता है और उसे दे देता है। डेला जल्दी से खुशी के साथ पार्सल को अनरैप करती है और उसे खोलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस पार्सल में जिम उसके लिए कॉम लाया था, पेयर ऑफ कॉम और साइड और बैक टोटाइज शेल विल ज्वेल रिम और एक कछुआ जो कि से ज्वेल से सजा हुआ था, जिसे उसने एक दुकान की खिड़की में देखा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वास्तव में उसे वो मिल पाएगा। एक बार जब उसके आंसू कम हो जाते हैं तो वह जिम को याद दिलाता है कि कमजोरी रूप से उसके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। शी रिटेंस व्हेन शी रिकॉल दैट जिम डिड नॉट येट सी हिज प्रेजेंट। वह उम्मीद से अपने उसके पास फॉर्म रखती है, उसे याद दिलाती है कि अब दिन में 100 बार टाइम देख सकता है, जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकता है। डेला के गिफ्ट को देखकर जिम सोफे पर गिर जाता है और उसे देखकर मुस्कुराता भी है। एंड ही सजेस्ट दैट दे पुट दियर लवली क्रिसमस गिफ्ट अवे फॉर अ वाइल। उसको बोलता है कि तुम इस गिफ्ट लवली गिफ्ट को मेरे से कुछ थोड़ी देर के लिए दूर रखो। बिकॉज ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय डेला द कॉम, क्योंकि उसने डेला का कॉम खरीदने के लिए उसने अपनी सोने की वॉच गोल्ड वॉच को बेच दिया था।